चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड वन शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं एक स्कूल बॉय अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार का इजहार कर रहा होता है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड उसका प्रेम स्वीकार नहीं करता है और उसे स्विमिंग पूल पर धक्का दे देता है। एक्चुअली जो लड़का प्यार का इजहार कर रहा था उसका नाम है पेपर, और जो बॉय प्यार का इजहार रिजेक्ट कर रहा था उसका नाम है स्काई या तंगफान। इसके बाद कहानी आगे चले जाते हैं, जहां पेपर, स्काई और उन लोग का एक दोस्त जिसका नाम है क्रिस, वो तीनों साथ स्कूल में आते हैं और क्लास के बाद वो तीनों अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वहां तीन लड़की पेपर और स्काई के सुंदरता के बारे में बात कर रहा होती है। खेल के बीच पेपर स्काई के ऊपर गिर जाते हैं, तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं जिसका नाम है नियर। एक्चुअली वो हाई स्कूल का एक अकेला लड़का है जिसका कोई फ्रेंड्स नहीं है। एक लड़का नियर से गेम के बारे में पूछ रहा होता है। फिर दिखाए जाते हैं नियर को स्कूल का कुछ लड़के जो एक गैंग होता है, और उस गैंग का लीडर का नाम है अथर, और वो हमेशा ही नियर को परेशान करता रहता है। अथर नियर को धमका रहा होता है, तभी वहाँ क्रिस आते हैं और अथर को पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। तभी अथर कहता है हम तो बस खेल रहे हैं, इसीलिए अपना बकवास करना बंद करो। तभी नियर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाए जाते हैं क्रिस टॉयलेट पर होता है, तभी अथर का गैंग विंडो से उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और वो गीले हो जाते हैं। एक लड़की क्रिस से पूछती है अरे तुमने क्या किया, तुम गीले क्यों हो। तभी क्रिस कहता है बहुत गर्मी थी इसीलिए मैंने अपने आप में थोड़ा पानी डाल दिया। तभी स्काई उसे वही सेम सवाल पूछता है। क्रिस कहता है बस भी करो। फिर कहता है अथर जेनू को धमका रहा था। गाइस नियर और जेनू एक ही व्यक्ति का नाम है, तो मैंने उसके मदद की इसीलिए उसने मेरे ऊपर पानी फेंका। नेक्स्ट हमें क्लासरूम का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहां टीचर सभी को पूछता है कि तुम लोग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो या नहीं। नियर के तरफ इशारे करके कहता है तुम सभी नियर को देखो वो कितना मेहनती है। फिर दिखाए जाते हैं नियर का क्लासमेट उसे परेशान करता है क्योंकि टीचर उसका तारीफ कर रहा था। फिर दिखाए जाते हैं नियर स्कूल के क्लास अटेंड करने के बाद पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाते हैं। वहां पर उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम है एम। एम नियर से पूछता है क्या तुम यहाँ भागते भागते आए हो। नियर कहता है हाँ मेरा कुछ समस्या था इसलिए मुझे यहाँ आना लेट हो गया। उसके बाद दोनों अपने काम पर बिजी हो जाते हैं और काम के बीच दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कराता है। तभी वहां पर तीन बॉयज आते हैं। नेक्स्ट काय पेपर से पूछता है तुम अपना फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। पेपर कहता है मुझे माफ करना मैं तारे देख रहा था। तभी स्काई पूछता है क्या तुम अपने डैड को मिस कर रहे हो। एक्चुअली इस सीरीज पर बताया गया है कि पेपर का डैड मर चुका है और वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो हमेशा अपने डैड को याद करते रहते हैं। तभी स्काई पेपर से कहता है तुम्हें पता है मैंने सुना है कि व्यक्ति जब अकेला महसूस करता है तभी आसमान की तरफ ही देखता है। पेपर कहता है मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, इंसान जब अकेला महसूस करता है तब आसमान के तरफ ही देखता है। नेक्स्ट पेपर स्काई के घर पर गेम खेल रहा होता है। गेम के बीच स्काई पेपर को कहता है तुम्हें अभी जाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, तुम्हारी माँ बहुत चिंतित होगी। तभी पेपर अपने मॉम को फोन करके कहता है कि मैं स्काई के घर पर हूँ। तभी उसके मॉम कुछ नहीं कहता। स्काई पेपर से कहता है कम से कम तुम्हारे पास कॉल करने के लिए तुम्हारे मॉम है
और डेट को याद करने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है जिन्हें मैं याद कर सकूं। एक्चुअली वो अनाथ है इसलिए ऐसे कहा। तभी पेपर स्काई से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। नेक्स्ट क्लास का स्क्रीन दिखाई जाते हैं। क्लास के बाद ऑथर नियर को फिर से परेशान करता है। तभी जेनो ऑथर से पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो। ऑथर जेनो से कहता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन जेनो उससे इग्नोर करता है और ऑथर को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर स्काई आ जाते हैं और ऑथर से कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और तुम ये सब करना बंद करो, मेरा बात मानो। ऑथर कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ये कहकर ऑथर वहां से चले जाते हैं। स्काई जेनो के शोध पर दवाई लगाकर पूछता है, एक्चुअली हुआ क्या है तुम मुझे बताओ, लेकिन जेनो कुछ नहीं कहता है। तभी स्काई फिर से कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैसे मदद कर पाऊंगे, मुझे तुम्हारी मदद करना है, लेकिन जेनो कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट दो टीचर स्टूडेंट्स के बारे में बात कराता है। अगले स्क्रीन पर जेनो को एक लड़की कहती है, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे ज़्यादा मदद नहीं कर पाया हूँ। जेनो कहता है, इसके बारे में भूल जाओ। लड़की कहती है, तुम वही करना जो तुम्हें पसंद है, किसके बातों पर मत आना। ऐसे ही वो लड़की जेनो को समझा रहा होता है। अगले स्क्रीन पर स्काई पेपर से कहता है कि ऑथर के गैंग ने फिर से परेशान करने लगा है, वो स्टूडेंट्स को आहत करते रहते हैं। ये सब संभालने के लिए मैं नर्सिंग में गया था। तभी पेपर उसे कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हें भी कोई आहत करे, इसलिए तुम उन लोगों के पास मत जाओ, वो लोग इंसान के साथ खिलवाड़ करना पसंद करता है। स्काई कहता है, मैं सावधान रहूंगा। उसके बाद दोनों एक साथ खाने के लिए जाता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाते हैं। गाइस आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।